Okay, let's we start with our chapter number 1 that we have done up to the page number 8, first paragraph, fragmentation. Means we were studying the asexual reproduction. In this asexual reproduction we further go. So look, second paragraph. You must have heard about the scourge of the water bodies or about the terror of Bengal. The name of the plant, common name, is known as the terror of Bengal. That is one kind of terror in the aquatic bodies. Aquatic body जो होती है जिसमें पानी लोग होता है उसके अंदर ये terror of Bengal वो एक terrorist ही है water के. They are commonly known as the terror of Bengal. They are the scourge, scourge. Scourge. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth. इससे भी danger क्या आएगा? दूसरा water hyacinth. This is nothing but the other aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds. Invasive, दूसरे के अंदर invasion करता है, घुस जाता है, जैसे चाइना इंडिया में घुस जाता है ऐसा. Invasive weeds found growing wherever there is a standing water. Flowing water नहीं, standing water. Means बोलो जहाँ पे भी standing water है, stagnant water है, वो standing water में ये invasive है. Invasive weed है, weeds. What do you understand by weeds? Weeds in the crop, in the farm. हमारा जो भी crop होता है, farmer जो भी crop लेता है वो crop के बीच में ऐसा जो भी grass ने grasses ने जो भी other plant grow हो जाता है naturally, that is called weeds. These are very danger for that crop because this absorb whatever water and nutrient is available for that crop plant. जो भी फर्टिलाइजर है उसको ये यूज कर लेगा और इसका एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा रहता है बिकॉज इट एंटर इन कंपटीशन विद द नेचुरल. वो जो क्रॉप प्लांट है उसके साथ कंपटीशन करता है. ऐसा ही ये है वाटर हाइसिंथ. दिस वाटर हाइसिंथ इज अ एक्वेटिक वीड्स. तो बोलो क्या होता है, दिस इज द स्टेग्नेंट वाटर. अब बोलो ये स्टेग्नेंट वाटर में नॉर्मली बोलो इसमें क्या रहता है, तो दीज आर द फीस. बोलो ये फीस है कि यहाँ पे प्लांट है, नॉर्मल प्लांट सबमर्ज और समर अप टू हियर. अब बोलो दीज प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेसिस दैट इज सप्लाई टू द एनिमल एंड दीज एनिमल्स प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज सप्लाई टू द प्लांट. बोलो ये चलता रहता है. अब देखो क्या होता है, वेदर देर इज इट ड्रेन्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द वॉटर. ऑक्सीजन को ड्रेन कर देता है, निकाल देता है. कैसे निकालता है अभी हम समझते. विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेस. अब ये वॉटर वाइज हाइसिंथ है, वो वॉटर हाइसिंथ उसके एट्रेक्टिव लीव्स के लिए बहुत फेमस है. लीव्स एंड फ्लावर्स, उसके फ्लावर भी यहाँ पे ऐसे ऐसे आते हैं. तो बोलो इसके लीव्स, इसके फ्लावर सब ऐसे यहाँ पे पूरा सरफेस कवर कर लेते. एज इट कवर द सरफेस वॉट एपन ड्यू टू दिस वॉट एपन सनलाइट कैन नॉट एंटर इन साइड दिस वॉटर. सनलाइट एंटर नहीं होती तो ये जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस बंद कर देता है. फोटोसिंथेसिस बंद कर देता है तो ये ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ये एनिमल को नहीं मिलती है. और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मीनवाइल जो भी प्रोड्यूस होता है थोड़ा थोड़ा वो यहाँ पे ही रह जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड से वो ये जो वाटर एसिडिक बन जाता है. ऑन अदर एंड दीज एनिमल्स आर नॉट गेटिंग इनफ वाटर सॉरी इनफ ऑक्सीजन सो वॉट एपन दिस ऑल फिश डाइज. You will learn more about it in chapter 13, 14. वो आएगा. You may find it interesting to know that these plants was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves.
हम ह्यूमन बींग ही लेके आए थे, इट इज नॉट इंडियन प्लांट, वो फॉरेन प्लांट का है, बट फॉरेन में जाके कोई ने देखा, हाँ वहां तो इतने अच्छे पॉन्ड्स होते, उसके ऊपर सो एट्रैक्टिव फ्लावर्स होते, और ऐसा लीफ ने वो सब है, तो वहां से लेकर आए और यहाँ पे लाके डाला, तो ये ऐसा कंपटीशन में उतरा और ऐसा कर दिया कि हमारे यहाँ के एनिमल और प्लांट के लिए डेंजर हो गया, टेरर है, टेररिस्ट है, टेरर ऑफ बंगाल, सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट फिनोमिनल रेट, फिनोमिनल नॉर्मल फिनोमिना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्लांट है तो एसेक्सुअल मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बोलो ऐसा स्प्रेड तो करता है बट उसका रिप्रोडक्शन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हैगा, उसके लिए दूसरे प्लांट करते उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आती है, एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ धेम, उसके लिए उसपे से वापस निकलना, उससे छुटकारा लेना बहुत मुश्किल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रेट इज वेरी हाई। लुक, आर यू अवेयर ऑफ हाउ प्लांट्स लाइक पोटेटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहलिया आर कल्टिवेटेड, बोलो कौन से प्लांट बोले यहाँ पर, पोटेटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहलिया, हाउ मेनी यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आईज ऑफ द पोटेटो ट्यूबर, देखो पोटेटो पोटेटो प्लांट, ये पूरा पोटेटो प्लांट हैगा, ये स्टेम है उसका, ये जो भी कुछ यहाँ का लीफ ने एट्सेट्रा है, इसके नॉर्मल फ्लावर भी आते हैं, जो कुछ भी होता है वो, नाउ लुक व्हाट हैपन, दीज आर हियर इट्स रूट्स, डोंट बी अंडर इम्प्रेशन दैट के इमीडिएट ये जो रूट स्टार्ट हो गया, ये जो लैंड है, लैंड के सरफेस सरफेस ऑफ द ग्राउंड के नीचे थोड़ा ये स्टेम का पार्ट रहता आएगा, तो ये स्टेम के ऊपर, वेर एवर देर इज द स्टेम देर आर द नोड्स, तो इसके ऊपर भी नोड्स है, सो दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम, सो द नोड्स इज द स्केली लीव्स, लीफ बिटवीन लीफ एंड स्टेम देर इज अ एक्सिल, एक्सिल हैज द एक्सिलरी बड, तो हियर बी ऑल्सो एक्सिलरी बड, दिस एक्सिलरी बड डेवलप इन टू द ब्रांचेस, तो यहाँ भी ये अंडरग्राउंड ब्रांचेस, दिस अंडरग्राउंड ब्रांचेस डेवलप लाइक दिस, बोलो ये अंडरग्राउंड ब्रांचेस, सो दिस ब्रांचेस ऑल्सो हैज नोड्स, इंटर नोड्स, अपाइकल बर्ड्स, दिस अपाइकल बर्ड्स हैज द फूड स्टोर्ड, स्टोर हुआ तो बोलो क्या हुआ, ये जो डेवलप हुआ स्टोरेज फूड स्टोर करने वाला पार्ट उसको ने बोलेंगे ट्यूबर, वी आर कॉलिंग दिस इज अ पोटेटो नॉट, दिस प्लांट इज अ पोटेटो एंड दिस इज द ट्यूबर, दिस ट्यूबर मीन्स एक्चुअली व्हाट, इट इज द स्टेम, वंस अगेन स्टेम इज द पिक हैज द पिक्युलैरिटी ऑफ दैट ऑफ व्हाट बर्ड्स सॉरी नोड, तो ये नोड है, तो नोट पे ये जो ऐसा ऐसा डेवलप हुआ है बोलो ये क्या है, स्केली लीव्स, सो दिस हैज द स्केली लीव्स, एनीवे दिस इज द स्टेम दिस इज द लीव, बिटवीन द स्टेम एंड लीव्स देयर इज अ एक्सिल, एक्सिल हैज द एक्सिलरी बड, एंड हियर दिस एक्सिलरी बड व्हेन यू कट विद सम पार्ट एंड यू कीप इट इन द मॉइस्ट लैंड, ये मॉइस्ट लैंड पे तुम इतना है नहीं, ये पार्ट रख दो, ये कट करा हुआ जहाँ पे ये स्केली लीव्स देर एक्सिलरी बड हैगा, जिसको नॉर्मली आइस बोलते हैं, तो थोड़े टाइम में क्या होगा, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मॉइस्ट लैंड है तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड ह्यूमिड कंडीशंस है, यहाँ से ये रूट डेवलपमेंट होगा और ये अपने पार्ट्स में से शूट डेवलपमेंट हो जाएगा, मीन्स न्यू प्लांट इज डेवलप फ्रॉम दिस आइस, सो दिस इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैरीड आउट बाय दिस प्लांट एंड दिस वी हैव मीन्स ह्यूमन बींग हैज एडप्टेड फॉर द कल्टिवेशन फाउंड ग्रोइंग वेयर देर सॉरी कोल्ड आइस ऑफ द पोटेटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ द बनाना एंड द जिंजर, अब देखो बनाना एंड जिंजर, जिंजर का हम समझते दिस इज द प्लांट ऑफ द जिंजर, यहाँ भी ऐसा ही इसका एक्सिलरी पार्ट एरियल पार्ट जो कुछ है, नाउ दिस इज इज स्टेम एंड रूट, दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम हैज द
नोड, यहाँ का नोड होएगा तो ये नॉर्मल लीफ, यहाँ का नोड होएगा तो स्केलिल्यूज, दिस स्केलिल्यूज में से भी और यहाँ से भी क्या डेवलप होगा, एक्सिलरी बड मीन्स ब्रांचेस, तो यहाँ की ब्रांचेस ACM ने डेवलप रहेगी, यहाँ की अंडरग्राउंड ब्रांचेस डेवलप पैरेलल टू द ग्राउंड, एज इट डेवलप पैरेलल टू द ग्राउंड इट स्टार्ट स्टोरिंग द फूड मटेरियल। इसके ऊपर भी बोलो, अब ये यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दीज आर द लाइनिंग, दीज आर लाइनिंग बट नथिंग बट देट इज अ नोड। अब बोलो ये नोड है तो नोड के ऊपर यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्ट है, सो स्केलिल्यूज, दिस स्केलिल्यूज मीन्स ब्रांच, एक्सिलरी बर्ड्स एंड ब्रांच, तो यहाँ से ऐसा ब्रांच भी डेवलप होती है। बोलो ऐसे दीज ऑल आर द ब्रांचेस एक्सेट्रा, सो वेन वेन एवर इट गेट द फेवरेबल कंडीशन इट डेवलप वॉट रूट, एडवेंटेजियस रूट एंड दिस अपाइकल पार्ट डेवलप इन टू द प्लांट, तो यहाँ से एडवेंटेजियस रूट ऐसा डेवलप होता है और यहाँ से न्यू प्लांट डेवलप होता है। सो दिस इज ऑल्सो ए वन काइंड ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन जिंजर बनाना एक्सेट्रा। वेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट्स लिस्टेड अबव, यू विल बी नोटिस दैट दे invariably arise from the nodes present in the modified stem of the plants. So these are the modified stem, these tuber, these rhizome, these are the modified stem. और उसके अंदर से बोलो ये क्या हुआ, advantageous roots and पूरा plant bud में से develop हुआ, axillary bud में से node किया है, तो हमको ने समझ जाने का ये node है तो node पे स्केलिल्यूज है तो वहाँ एक्सिलरी बर्ड है, तो नोड बना तो लीव्स आया और बर्ड बना, मीन्स मेजर पार्ट इज मेजर पोर्शन इज व्हाट नोड्स। व्हेन द नोड्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द डैम सॉइल और द वाटर दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। सिमिलरली एडवेंटेजियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोचिस ऑफ प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द ब्रायोफाइलम। लुक दिस इज द ब्रायोफाइलम, दिस वन इज द ब्रायोफाइलम। नाउ अभी अपने देखो ये जो ब्रायोफाइलम है, ये अपने ब्रायोफाइलम में हम अपने देखेंगे तो ये इसका क्या आएगा, तो ये स्टेम है, सॉरी लीव है, वॉट एवर आई ए होल्ड, ये जो है ये इसका जो ये होल्ड किया है वो स्टेम है, पूरा ऐसा लंबा स्टेम था, मैं इतना ही कट करके लाया हूँ। एंड बोलो ये जो यहाँ के ये दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है, बोलो वॉट इज दिस, दिस इज द अपाइकल बर्ड। तो बोलो मैंने जो उसके नीचे ये स्टेम का पोर्शन है, वो स्टेम पे से जहाँ से ये लीफ डेवलप हुआ है, वो जो मैं जो ऐसा होल्ड करा था, ये जो पोर्शन है बोलो इसको ऐसा राउंड जैसा भी दिख रहा है स्टेम पे, वो उसको ने बोलते क्या नोड, नोड पे से क्या डेवलप हुआ है ये लीफ। अब देखो दिस लीफ हैज दिस नोचिस दिख रहा है इसके ऊपर ऐसे 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 ऐसे, एंड एवरी नोच पे से तुम अपने देखो क्या आपने डेवलप हुआ है, छोटा सर का प्लांट डेवलप हुआ है, मीन्स दिस नोचिस इज द क्या एडवेंटेजियस बर्ड्स एंड दिस एडवेंटेजियस बर्ड डेवलप इन टू द न्यू प्लांट, दिस इज कॉल्ड द ब्रायोफाइलम। द प्रेजेंट इन मार्जिन ऑफ द लीव्स ऑफ द ब्रायोफाइलम द एबिलिटी ऑफ द फूल एक्सप्लोइटेड बाई गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स। तो ये पूरा पैराग्राफ है आर यू से, यहाँ से कॉमर्शियल प्रोपोगेशन उसको पूरा ऐसा करो और अपना लिखो वेजिटेटिव टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय द फार्मर्स एंड गार्डनर्स फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स। It is interesting to note that the asexual reproduction is common method in the reproduction in organisms that have relatively simple organization. बोलो ये सब हमने देखा, ये जो प्लांट ने सब है, these all plant has a complex structure, but those plant where simple organization, बोलो क्या आएगा, vegetative asexual reproduction is very common in the plants where there is a
ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, दिस सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। This asexual reproduction in the simple organization, or we can say vegetative reproduction in simple organization having the plants. Like algae and fungi, and that are shipped to the sexual method reproduction just before the onset of an adverse condition. Means iska is the algae, fungi, these all are having the asexual reproduction, but what happen, because they have the simple body structure, but when they have the onset arisen of the kya arise hua aega, unfavorable condition, dry condition, heavy temperature condition, so during that time what happen, these algae, these fungi cell produce special kind of cells by the process called the meiotic division. These meiotic division cells then after easily spread far away from that particular place. अब वो दूर जाके गिरतेंगे, as well as क्या होता है उसके ऊपर ऐसा protective layer भी होता है। अब air adverse condition से हो सकता है कि this plant body पूरी algae वहाँ से destroy भी हो गई, dry होके खलास हो गई, but before it has produced a large number of the spores. These are called spores. तो वो स्पोर्स बहुत माइन्यूट होते, हैप्लोइड होते, दे आर टेकन बाय द एयर टू द डिस्टेंस किलोमीटर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो व्हाट हैपन, नंबर वन दे हैव द प्रोटेक्टिव कवरिंग, नंबर टू दे आर टेकन टू द वेरी अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट साइट। सो व्हाट हैपन, जहाँ भी जाता है वहाँ पे वो जाके ने दूसरा ऐसा सेल आता है उसके साथ फ्यूज होके वंस अगेन स्टार्ट ऑन द ऑनसेट ऑफ द फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट टू डेवलप। फाइंड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द एडवर्स कंडीशन, फाइंड आउट द हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल दिस ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। बोले समझ में आया, उसके ऊपर कवरिंग भी बन जाता है और वो दूर तक भी जाता है। As well as I have given that reference book, say reference book में पूरा description दिया हुआ है। Yes, as well as that lifespan भी वो reference book में दिया हुआ है। Reference book को study करो, रख नहीं देनी है। During the unfavorable condition, why is the sexual reproduction favored under such condition? Asexual or vegetative reproduction, as well as sexual modes of the reproductions are exhibited by higher plants. बोलो higher plants में sexual भी है और asexual भी है। अभी था ginger plant, potato, banana, these all are showing the asexual reproduction vegetative as well as sexual reproduction by the production of the flower, that is also very common. On the other hand, only sexual mode of the reproduction is present in most of the animals. Bolo, most of the animals mein kaun sa rehta hai ga? Sexual reproduction. So look, last time aur abhi karke humne asexual reproduction over kiya. Now we are moving to the sexual reproduction. Means topic number 1.2. बोलो चैप्टर वन का दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक मीन्स 1.2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है। 1.1 मीन्स चैप्टर नंबर वन का फर्स्ट टॉपिक एसेक्सुअल, एंड दिस वी आर डूइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स टॉपिक नंबर 1.2। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, हाईलाइट करो सेम इंडिविजुअल, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। बोलो दिस इज इन्वॉल्व बाय व्हाट, द प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स। गैमिट्स मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल, मेल सेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल सेल रिप्रोडक्टिव, एग और ओवा फीमेल सेल एंड स्पर्म मेल सेल। दिस सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम ऑर्गेनिज्म।
सेम मीन्स वही के वही ऑर्गेनिज्म ने उसको डेवलप करा है, और द ऑपोजिट सेक्स, टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। मिस मेल एंड फीमेल, मेल अलग है, फीमेल अलग है, एज ह्यूमन बींग डॉग्स एटसेट्रा। इन फ्लावर ऑल्सो मेल पार्ट अलग है, एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम फीमेल पार्ट अलग है, बट देर आर द सेम ऑर्गेनिज्म। बोलो कभी देखा ऐसा? स्टैंडर्ड 11, अर्थ फॉर्म। अर्थ फॉर्म इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस फॉर्म एज बेस इज द ओवा, दो इट इज अदर थिंग दैट द सेम सेम एनिमल का अर्थ है ओवा ने स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। बट बिफोर इट प्लेटी हेलमेंथिस लीवर फ्लूक टेपवर्म एक्सेट्रा, उसमें भी सेम ऑर्गेनिज्म, दो सेम ऑर्गेनिज्म का ही एग एंड ओवा फर्टिलाइज भी करता है उसमें। मीन्स इफ ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा, और मे पॉसिबल डे टू डिफरेंट आर इन्वॉल्व। दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। बोलो यहाँ से जो कोई ने भी जायगोट गैमेट बनाया, दिस गैमेट्स प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स, देन दिस गैमेट्स फ्यूज, व्हेन फ्यूजन टेक प्लेस दैट लीड्स फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड दैट फर्टिलाइजेशन इज फॉर्म फ्यूजन फर्टिलाइजेशन फॉर्म व्हाट जायगोट। The gametes fuse to form the zygote, which develops to form the new organism, and then after this zygote develop into embryo, and then after finally kya banta hai ga? New organism. It is an elaborate, complex and slow process compared to the asexual reproduction. Bolo, यहाँ पे हम लिखेंगे sexual reproduction. एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इलाबोरेट रॉन्ग, तो वो समझ जाने का एसेक्सुअल इज वेरी शॉर्ट। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्लो, वेरी स्लो, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, देन फ्यूजन, देन डेवलपमेंट। टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में, बिकॉज जस्ट फॉर्मेशन ऑफ द फ्यू न्यू सेल्स बर्ड्स एक्सेट्रा एंड इट इज कंप्लीटेड। देन आफ्टर लुक थर्ड पॉइंट क्या है? दिट इज कॉम्प्लेक्स है, मेल का प्रोडक्शन होना, मीन्स मियोसिस, स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिविजन, देन आफ्टर दैट। तो बोलो ये क्या? इट इज वेरी सिंपल। चलो बोलो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स दोज गैमेट्स आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट्स, एंड दोज गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस नोन एज द मियोसिस। ड्यू टू दैट मियोसिस व्हाट हैपन, ड्यूरिंग द मियोसिस व्हाट हैपन, क्रॉसिंग ओवर, सो दैट्स व्हाई कैरेक्टर्स आर नॉट एग्जैक्टली लाइक पेरेंट। यहाँ पे क्या आएगा? कैरेक्टर एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स, बिकॉज जीनोम मीन्स जीन्स आर मेंटेन एज इट इज, हियर जीनोम्स आर नॉट मेंटेन ड्यू टू दैट और द क्रॉसिंग ओवर। तो देखो एक सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस हुआ, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग देमसेल्व। बोलो वो जो अभी हमने क्या कैरेक्टर्स आर नॉट एग्जैक्टली लाइक पेरेंट्स, और बोलो डिफरेंट होएगा तो नॉट अमंग देमसेल्व। बोलो कैसे हम करेंगे इसको, कैसे बोलेंगे? योर सेल्फ एंड योर फादर एंड मदर, योर स्किन कलर इज लिटल बिट डिफरेंट, योर हाइट इज डिफरेंट, योर वॉइस इज डिफरेंट, दैट ऑल द डिफरेंसेस।
ह्यूमन बीइंग के तो जो ऑफस्प्रिंग है ह्यूमन बीइंग ही होंगे, डॉग के डॉग ही होंगे, बट उसके कैरेक्टर थोड़े अलग रहेंगे. एग्जैक्टली सेम इज नॉट पॉसिबल. अ स्टडी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल्स और फंगाई सो दे डिफर सो ग्रेटली एक्सटर्नली. बोलो प्लांट एनिमल फंगाई कोई को भी तुम स्टडी करो तो बोलो उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर अलग है, उसकी फिजियोलॉजी अलग है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एनेटॉमी अलग है. बट सरप्राइजिंगली व्हाट सरप्राइजिंग देयर मोड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सेम. बोलो ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस व्हाट स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस. तो एलिफेंट में भी वही मेथड से स्पर्मेटोजेनेसिस से वो स्पर्म बनता है. एनिमल में भी ऐसे ही एक फॉर्मेशन होता है. तो सबके अंदर प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जैक्ट सेम रहता है. ए स्टडी ऑफ द डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एनिमल्स और फंगाई सो दैट दो दे डिफर ग्रेट इन एक्सटर्नल फॉर मॉर्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स एनेटॉमी एंड फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी तो सबकी अलग है. फंगाई इज हेट्रोस्पोरस एंड हेट्रोफाइटिक. प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉपिक. बरोबर है. When it comes into the sexual mode of the reproduction, surprisingly, they share a similar pattern. Let us first discuss what features are common to the diverse organism. बोलो ये अलग अलग है सब कुछ है बट उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है बोलो कैसा आएगा, तो वो तो सेम रहता है. तो उसके लिए हम पहले क्या अपने स्टडी करेंगे, तो पहले हम उसके कॉमन जो भी प्रोसेस है उसका स्टडी करेंगे. All organisms have to reach certain stage of growth and maturity in their life. Bolo, anything, animal, after birth, birth ke baad mein kya hua? Growth hua to kya hua? Uski childhood over hui. ग्रोथ होके ग्रोथ में चाइल्डहुड ओवर हुई तो फिर अपने वो अपने क्या हुआ मैच्योरिटी. व्हेन दैट एनिमल अटेंड मैच्योरिटी देन आफ्टर इट प्रोड्यूस द गैमेट्स. एडल्ट हुआ तो उसके पहले वो गैमेट प्रोडक्शन नहीं करता है. नॉट ऑन द एनिमल्स. बोलो यही चीज तुम प्लांट को भी ले सकते हो. प्लांट व्हेन वी शो इट्स सीड्स तो सीडलिंग में हुआ देट इज वन काइंड ऑफ बर्थ. देन आफ्टर ग्रोथ उसका चाइल्ड डेवलपमेंट. सपोज यू हैव सोन द मैंगो सीड तो बोलो क्या होएगा, जैसे उसका डेवलपमेंट छोटा सर का प्लांट बनेगा सीडलिंग डेवलप होके तो बोलो क्या होएगा, उसके ऊपर फ्लावर आके मैंगो नहीं तुमको मिलेंगे, वो 5-6-8 ईयर्स के बाद में उसको उसके ऊपर मैंगो आएंगे. मीन्स उसका चाइल्डहुड ओवर होगा, मेच्योरिटी आएगा और फ्लावरिंग स्टार्ट होगा. फिर वो उसके अंदर फ्लावरिंग के अंदर एंडोसियम में गैमिट्स प्रोड्यूस होगा, गाइनोसियम में गैमिट्स प्रोड्यूस होगा. द पीरियड ऑफ द ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल स्पेलिंग देखो तो ये जो मेच्योरिटी ग्रोथ यहाँ तक आता है उसको उन्हें बोलते हैं जुवेनाइल फेज. एनिमल में रहेगा तो जुवेनाइल फेज बोलेंगे और प्लांट होगा तो उसको ने बोलेंगे वेजिटेटिव फेज. दिस फेज इज ऑफ द वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. डेफिनेटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रहेगा. बोलो कैसे, रोज प्लांट रहेगा तो उसमें जो वेजिटेटिव फेज है इट इज ऑफ द अप्रोक्सीमेटली फ्यू मंथ्स 8 to 10, 6, 7, 8 months अप्रोक्सीमेटली. बोलो जब अभी अभी हमने देखा था मैंगो में वो वेजिटेटिव फेज ऑफ द 8 years to 10 years. ऐसे ही बोलो डॉग में जुवेनाइल फेज ऑफ द 3 years. ह्यूमन बींग में 14 years. आफ्टर 14 years द जुवेनाइल फेज विल बी ओवर एंड मेच्योरिटी विल बी अटेन. The end of the juvenile or the mediative phase marks the beginning of its reproductive phase. बोलो ये gamete formation start हुआ. मीन्स कौन सा phase start हो गया, reproductive phase. ये juvenile phase था अभी तक.
आफ्टर बर्थ से जो उसकी मेच्योरिटी आई वहाँ तक के फेस को बोलेंगे जुवेनाइल फेस, और प्लांट के अंदर बोलेंगे वेजिटेटिव फेस। देन आफ्टर उसके अंदर मेच्योरिटी आई तो देट इज मेच्योरिटी मीन्स फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली देट इज अ रिप्रोडक्टिव फेस। The end of the juvenile vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in higher plants when they come to flower. How we come to know that the vegetative phase is over or the juvenile phase is over? So in plants etc., in higher plants like that mango tree or the neem tree, we can come to know from that they develop the flower. Is the flowering start? फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ तो समझ जाने का कि क्या जुवेनाइल फेज और द वेजिटेटिव फेज इज ओवर एंड रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया। द एंड ऑफ द जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज व्हिच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी इजीली सीन इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेरीगोल्ड राइस व्हीट कोकोनट मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। मीन्स बोलो ये सब प्लांट्स में जुवेनाइल फेज कितने टाइप का रहता है और कब उनका रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होता है। आई हैव गिवन यू द रेफरेंस बुक, गो थ्रू दैट रेफरेंस बुक एंड फाइंड आउट द आंसर। दिस ऑल आंसर्स आर गिवन, व्हाई आई एम नॉट टेलिंग, द रीजन इज दैट द बुक्स आर देयर बट आई एम नॉट टेलिंग दैट यू हैव टू रीड। आप घर पे बैठ के कुछ रीड नहीं करते हो। Where the flowerings occur more than once. Sorry. In some plants where their flowerings occur more than once. In some plants during 1 year or the unke lifespan mein more than one time. As for example in mango. Every year flowering hota hega. Every year flowering hota hai. It doesn't mean that every year reproductive phase nava start hua. Nahi. First time when it flowered that the end of the juvenile means vegetative phase and start of the reproductive phase. Then flowering every year continue नहीं रहेगा। First time जब start होता है तो उसको ना बोलेंगे end of the vegetative phase and start of the reproductive phase। फिर तो काम के लिए वो reproductive stage ही रहेगा। More than once, what would you call the interflowering period? Yes, उसको ना क्या बोलेंगे interflowering। Juvenile और mature नहीं, juvenile तो over हो गया, maturity attain हो गई, तो अब एक time first वंस जब आया वेरी फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग हुआ तो उसका वेजिटेटिव फेज स्टार्ट हुआ। फिर आफ्टर द गैप ऑफ द 1 ईयर मीन्स एट द एंड ऑफ इन द मैंगो प्लांट एट द एंड ऑफ द जनवरी फेब्रुआरी फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट टाइम हुआ तो रिप्रोडक्टिव स्टेट, तो अब वो रिप्रोडक्टिव फेज ही रहेगा। अब नेक्स्ट जनवरी फेब्रुआरी में जब फ्लावरिंग होएगा तो ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे इंटर फ्लावरिंग फेज पीरियड। Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month, year and after year? Yes. Why do you think that availability of the fruits like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal? Because the flowering in this particular plant is seasonal. Every season उनकी fix है कि यही season में उसका flower होके उसमें fertilization होके फिर वो fruit बनेगा। Are those some plants flower throughout the years? Throughout years भी सब करते हैंगे मेरीगोल्ड दैट बारहमासी एक्सेट्रा। सम अदर्स दे शो सीजनल फ्लावरिंग जो है मैंगो एंड नीम दिस ऑल आर प्लांट्स। द एन्यूअल एंड बाय एन्यूअल टाइप शोज क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेंसेशन फेज। बोलो अब ये यहाँ से हमने समझो रिप्रोडक्टिव फेज जब ओवर हुआ तो अब ओल्ड एज को बोलेंगे सेंसेशन फेज। ओल्ड एज जब ये फ्लावरिंग स्टॉप हो गया, बोलो अब यही चीज को हम एनिमल के लिए बोलेंगे तो उसने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया तो रिप्रोडक्टिव स्टेज, और जब उसका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी स्टॉप हो गई तो उसमें भी ओल्ड एज सेंसेशन। बट इन द पेरिनियल स्पीसीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेज। बोलो कैसा होता है एनिमल जाए दो प्लांट्स में ही देखते हैं। बोलो वो प्लांट्स में जो दिया है एनुअल एंड बाइनियल। बोलो एनुअल मीन्स योर पेडी, दीज आर द इट्स रूट्स।
बोलो उसका फ्यू मंथ्स, 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स, दैट इज अ वेजिटेटिव फेज। देन आफ्टर फॉर 1 रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज उसका आ गया, उसके ऊपर फ्लावरिंग होता है वो सब। बोलो देन आफ्टर व्हाट हैपन, रिप्रोडक्टिव फेज 1.5 ईयर ओवर हुआ के तुरंत ही बोलो हमको दिखेगा ये सब ड्राई होके, नहीं ये मरेगा। बोलो ये उसका रूट सिस्टम भी धीरे 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 खलास हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेंसेशन। बाइनियल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स में भी फर्स्ट ईयर पूरा डेवलप हुआ, सेकंड ईयर स्टार्टिंग हुआ उसका ने लाइफ का, उसमें उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट किया और सेकंड ईयर में फ्लावरिंग ने फ्रूटिंग ने सब हो गया ने, एट द एंड वो पूरा ड्राई होके मर जाएगा। बट इन केस ऑफ द मैंगो और द पीपल ट्री और वो उसमें व्हाट विल बी हैपन, दे आर द ह्यूज ट्री, तो बोलो क्या रहता आएगा, ये जो इसके नीचे की ब्रांचेस है ना फ्लावर उसके ने रूट से, वो सेंसेशन होता आएगा वो टाइम पे। ऊपर की ये जो है ये पूरी मैच्योर होती है और अपाइकल बड में से जो दूसरा डेवलप हो रहा है वो जुवेनाइल मेंगा। मीन्स इन दैट प्लांट ऑल्सो देर इज अ स्टेजेस, बट इट इज कंप्लीट, पूरे के पूरे का जुवेनाइल स्टेज आएगा, पूरे का कंप्लीटली वेजिटेटिव और द रिप्रोडक्टिव फेज आया वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज सम ऑफ द पार्ट्स हैविंग द सेंसेशन फेज, सम ऑफ द पार्ट्स हैज द रिप्रोडक्टिव फेज एंड डेवलपिंग पार्ट्स हैज द जुवेनाइल फेज। बट इन द पेरिनियल स्पीसीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लेरिफाई एंड डिफाइन दिस फेजिज। ए फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट यूजली फ्लावरिंग फिनोमिनन, सम ऑफ देम सच एज बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, जनरली दैट लाइफ टाइम इज आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। उसका जो लाइफ टाइम होता है बम्बू ट्री का मोर देन 100 ईयर, उसमें 50 ईयर्स के बाद में वो खाली पूरी लाइफ में वन टाइम ही फ्लावरिंग करेगा। फ्लावरिंग करेगा तो उसमें पोलिनेशन ने सब होके व्हाट विल बी हैपन, फ्रूट भी डेवलप होता है। कितना सब सब बम्बू का भी फ्रूट होता है। यस इट इज अ प्लांट, इट इज अ फ्लावर। फ्लावर से एंड्रोसियम गायनोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो पोलन बनता है, पोलिनेशन ने सब होके उसमें भी फ्रूट बनता आएगा। बट लाइफ में ओनली वन टाइप। सम प्लांट्स के अंदर 50 ईयर्स के बाद में इमिडिएटली, कोई में 70 ईयर के बाद में, कोई वो देट वो अलग एक हो गया, डेट इज द स्टडी ऑफ बॉटनी। सो क्लियर कट वेजिटेटिव कहाँ गया, सॉरी, ए लार्ज नंबर ऑफ द फ्रूट्स एंड डाई। अनदर प्लांट्स ट्रोबिलियंथस कुंथियाना नीला कुरुंजी कुरंजी, हाईलाइट करो ट्रोबिलियंथस कुंथियाना नीला कुरंजी। फ्लावर्स वंस आफ्टर 12 ईयर्स, 12 ईयर्स के गैप के बाद में उसका फ्लावरिंग होगा। फिर वो फ्लावरिंग हुआ उसमें भी फ्रूट वूट सब डेवलप हुआ, उसका सीड ने वो सब सीड जर्मिनेट दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, बट वही प्लांट में दूसरी बार आफ्टर 12 ईयर के गैप पे। एज मैनी ऑफ यू वुड नो दे दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग द सेप्टेम्बर अक्टूबर 2006 में हुआ था, तो बोलो 12 ईयर्स मीन्स लास्ट टाइम 2018 में हो गया होगा फिर से फ्लावरिंग। बट ये बुक तो बहुत ओल्ड हैगी, उसके लिए उन्होंने 2006 लिखा हुआ है। इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला कर्नाटका तमिलनाडु इनटू द ब्लू स्ट्रेचिस एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। बोलो क्या हुआ, वो पूरे हेली हिली एरिया पे इसके जितने भी प्लांट थे वो 12 ईयर्स के बाद में फ्लावरिंग हुए, ब्लू ब्लू एंड ऐसे ऐसे कलर के टूरिस्ट बोट अट्रैक्ट हुए थे। बरोबर है, इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेस प्रायर टू द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। एनिमल में ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियर रिप्रोडक्टिव फेज आने के पहले बोलो जुवेनाइल फेज ओवर होता आएगा, तो इसमें बहुत से चेंजेस होते हैं ये टाइम में। बोलो इन ह्यूमन बीइंग यू माइट हैव नोटिस द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटर्नल दिस कैरेक्टर एट द एज ऑफ आफ्टर 14-15, एट द एज ऑफ 14-50 दिस बेड एंड दिस मस्केट दिस ऑल आर डेवलप इन द मेल, द वॉइस ऑल्सो गेट हार्डन। बोलो फीमेल में क्या होता है, तो वॉइस सॉफ्ट रहता है, बॉडी मस्क्यूलर सॉफ्ट रहते हैंगे, दिस ऑल डज नॉट डेवलप एज वेल एज। बोलो क्या है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप इन इन द फीमेल, मेल में वो अपने इनएक्टिव ही रहती है।
कैन यू लिस्ट द चेंजेस इन ह्यूमन, अभी तो बोला बींग्स देट आर इनएक्टिव और ऑफ द रिप्रोडक्टिव इंडिकेटिव ऑफ द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. एमोंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड, दे डू ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर्स, बोलो पूरे ईयर में करेंगे, नहीं, दे ले द एग्स, एनिमल में भी बोलो बर्थ हुआ एनिमल, ग्रोथ चाइल्डहुड मीन्स जुवेनाइल फेज ओवर होके मैच्योरिटी आई, मैच्योरिटी आने के बाद में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुआ, तो दे ले एग्स, बट दे ले एग्स इन अ पर्टिक्यूलर पीरियड ऑफ द सीजन, पूरा टाइम नहीं आएगा. बट इन ह्यूमन बींग सम मंकीस एंड एप्स दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर. अभी आ रहा है देखो वो, एमोंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर्स और इट इज सीजनल फिनोमिनन, आंसर इज इट इज अ सीजनल फिनोमिनन. वॉट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजार्ड, उसमें भी सीजनल है. फ्रॉग फ्रॉग एट द ऑनसेट ऑफ दिस मॉनसून, जैसे मॉनसून स्टार्ट होता है थोड़ा बहुत वाटर लॉग होता है कि फ्रॉग के अंदर रिप्रोडक्टिव सीजन स्टार्ट होती है. यू विल नोटिस दैट द बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली. However, the birds in captivity, as in poultry farms, can be made to lay eggs throughout the year. In this kind, laying eggs is not related to reproductive but a commercial exploitation for human welfare. यहाँ समझते ये क्या आपने explain करता है? देखो, in this poultry farm, hens, बोलो क्या हुआ? Female लेगा, तो बोलो normal condition में तो क्या होता है ये hens when on सीजन उसके अंदर ही ओजेनेसिस स्टार्ट होता हैगा. ओजेनेसिस स्टार्ट एंड ओवर प्रोड्यूस व्हेन दैट ओवा एंड इन इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट मेल जो है मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और वो स्पर्म उसके अंदर रिलीज करता है तो फर्टिलाइजेशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जायगोट एंड दैट कंप्लीट पार्ट. ये नॉर्मल हुआ बट फॉर अवर बेनिफिट क्या करने में आता है जब उसका रिप्रोडक्टिव सीजन ओवर हो गया तो ये फीमेल को ऐसा कुछ फूड देते हैं ड्यू टू दैट व्हाट हैपन दैट हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट ड्यू टू द हार्मोनल सिक्रीशन इट कंटिन्यूस ओजेनेसिस तो एग्स आर प्रोड्यूस बट दिस एग्स आर द सेकेंडरी ओसाइट बट मेल डज नॉट हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड फर्टिलाइज तो मेल तो वहां तक जाएगा ही नहीं. मेल जाएगा नहीं तो बोलो ये जो लेग एग्स आते दिस एग्स हैज आर द सेकेंडरी ओसाइट इट इज अ योक दैट इज अ फूड मटेरियल फॉर अस मिस अनफर्टिलाइज एग. ये जायगोट है ही नहीं अभी तो जायगोट के लिए इसको स्पर्म अंदर जाके फर्टिलाइज करेगा ये मैच्योर एग बनेगा फिर सब कुछ होगा वो तो होता ही नहीं है. कैन यू मेट द लेग्स थ्रू आउट द ईयर इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन ये रिप्रोडक्शन नहीं है बट इट इज अ कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. द फीमेल्स ऑफ द प्लेसेंटल एनिमल एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ द ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज द हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज. बोलो किसमें प्लेसेंटा जिसके अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है वो अपने मेमल्स उसके भी दो पार्ट है. इन नॉन प्राइमेट मेमल्स लाइक काउस सीप रेड डियर्स डॉग्स टाइगर एक्सेट्रा सब सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साल और उस्टेरस साइकिल वेर इज इन प्राइमेट्स मीन्स मंकीज एप्स एंड ह्यूमंस इज कॉल्ड मेनिस्ट्रुअल साइकिल. समझो क्या होता है जो मेमल्स है मेमल्स का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है वो मेमल्स में एक ऐसे पार्ट है जिसके अंदर एम्ब्रियो के लिए प्लेसेंटा डेवलप होता है प्लेसेंटल. दिस प्लेसेंटल एनिमल्स मेमल्स है उसके भी दो पार्ट हैंगे बोलो कौन से हैंगे तो फर्स्ट जो पार्ट देखो उसको हाईलाइट करना है नॉन प्राइमेट कौन सा बोलेंगे नॉन प्राइमेट बोलो नॉन प्राइमेट के एग्जांपल और नॉन प्राइमेट वर्ड्स को हाईलाइट करो काउस शीप रेड डियर्स डॉग्स टाइगर एक्सेट्रा सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन साल कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल क्या बोलेंगे उसको ओस्ट्रस साइकिल. This cyclic changes take place during only one season. उसकी particular season होगी तभी वो उसके अंदर cyclic changes आएंगे. As for example, in dogs, these cyclic changes occur during the
दिस आफ्टर द जून जुलाई अगस्त सितंबर, एक अगस्त सितंबर में ही उसके अंदर सेकेंडरी उस साइड में सब प्रोड्यूस होंगे और फर्टिलाइजेशन होके वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। जब प्राइमेट्स प्राइमेट्स मैंक्स मैन मंकीज एप्स एवरी मंथ होता आएगा वो। हमने चैप्टर नंबर 3 इसके लिए तो पहले स्टडी कर लिया आएगा। तो बोलो उसको इन्हें बोले क्या, क्या बनेंगे के मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैनी मैमल्स स्पेसिफिकली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट साइकल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन द रिप्रोडक्टिव फेज। बोलो उसको हमने ओनली दैट फेवरेबल सीजन में है तो उसको ने क्या बोलते हैं ओइस्ट्रस साइकिल। और बोलो जब थ्रू आउट कंप्लीट लाइफ में कंटिन्यूटी में चलता रहता है तो उसको ने बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। कॉल द सीजनल ब्रीडिंग, और उससे जो ब्रीडिंग है उसको ने क्या बोलेंगे सीजनल ब्रीडिंग। साइकिल उसका है कौन सा है ओस्ट्रियल, जो बॉडी के अंदर चेंजेस करता आएगा, और ब्रीडिंग उससे होता है रिप्रोडक्शन, उसको ने बोलेंगे सीजनल ब्रीडर्स। मैनी अदर एनिमल्स आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट द देर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस दे आर कॉल्ड द कंटिन्यूस ब्रीडर्स। एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग कंटिन्यूस ब्रीडर बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ में वो रिपीट होता है, मीन्स एवरी मंथ में थ्रू आउट द ईयर कभी भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। डेट वील ग्रो ओल्ड, डेट वी ग्रो ओल्ड 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 तो होते ही है सब इफ वी लिव लॉन्ग इनफ। हाँ इतना जीना चाहिए, नहीं तो बीच में मर गए तो फिर कहाँ से ओल्ड होंगे। इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज बट वॉट इज द मीन बाय द ग्रोइंग ओल्ड। बोलो यहाँ पे अभी अपने बोला था ग्रोइंग ओल्ड, मैंने बुझा दिया है फिर अप कर दिया, मीन्स जब रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द सेंसेशन। सेंसेशन मीन्स टू बी अ ओल्ड और अ ओल्ड एज, हाईलाइट करो विच इज द पैरामीटर टू बी ऑफ द सेंसेशन। द सेंसेशन का बोलो कौन सा पैरामीटर है, स्टॉप स्टॉप ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। देर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ द मेटाबोलिज्म। बोले कौन से चेंजेस है, स्लोइंग ऑफ द मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म हॉर्मोन सिक्रीशन ये सब स्टॉप हो गया, धीरे धीरे कम हो गया ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पान ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड डेथ। वो इतना कम हो जाता है कि छेले मर जाता है डेथ। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन दैट थ्री फेज। बोलो कौन से थ्री फेज, इंट्रेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलर रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाईलाइट करो थ्री फेजिस कौन सा था, पहला जुवेनाइल, दूसरा रिप्रोडक्टिव एंड लास्ट सेंसेशन फेज। इसके लिए हॉर्मोन एंड अदर दिस ऑल, ये लास्ट पैराग्राफ है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके ऊपर का टिक करो। चलो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से इवेंट्स होते हैं। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द मेच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट आर रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। सब के अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटी सिमिलर है, इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीन वेरी डिफरेंट। उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अरेंजमेंट एंड फंक्शन अलग रहता हैगा, जैसे कि थ्रू आउट द ईयर चलता हैगा, सीजनल होता हैगा वो सब, बट उसके जो बेसिक प्रोसेस है देट आर द सेम। दिस इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थो इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स। पहले ही देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इलाबोरेट है, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, फॉलो ए रेगुलर सिक्वेंस, और ए रेगुलर सिक्वेंस आता है एवरी टाइम, सेम के सेम प्रोसेस रिपीट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। हम समझ सकते हैं मेल एंड फीमेल गैमिट फ्यूज करेगा तो ही होगा। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगेट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, वो फ्यूजन से जाइगोट बना और एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस। इज बी ग्रुप इनटू थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस, नेमली प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के पहले प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स, रिलीज ऑफ द गैमिट्स, मूवमेंट ऑफ द गैमिट दैट ऑल। सेकंड वन फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, एंड लास्ट वन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, गैमिट्स बना तो जाइगोट बना, जाइगोट बना तो फिर उसके ऊपर से पूरा डेवलपमेंट हुआ। सो दिस इज द थ्री स्टेजेस। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव, मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज।